नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज के सोशल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां पर यूपी सरकार की जमीन पर हुए अवैध कब्जे को गुरुवार को ढा दिया गया। सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से रोहिंग्या कैंप लगाया गया, जिसे बुलडोजर से तोड़ा गया है। जी हाँ, इस इलाके में सुबह 4 बजे से ही बुलडोजर चलाकर एक्शन लिया गया। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। यहाँ करीब 5.21 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे अब अतिक्रमण मुक्त किया गया है। इस जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार राज्य में अवैध निर्माण को ढाया जा रहा है। पिछले कुछ वक्त में कई जगह ये एक्शन देखा गया। बता दें कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के कई हिस्सों में जमीन है। ये ओखला, जसोला, मदनपुर खादर, अली, सैदाबाद, जेतपुर, मोलबंद और खुरेजी खास में है। यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह द्वारा भी इस एक्शन का वीडियो ट्वीट किया गया है। मंत्री ने लिखा, दिल्ली में फिर से चला योगी का बुलडोजर, योगी सरकार की दिल्ली में बड़ी कार्रवाई। जानकारी के मुताबिक आने वाले वक्त में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जल्द ही बड़े और एक्शन भी लिए जाएंगे। दिल्ली के कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन इलाके के पास बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी रुके हुए हैं। यहाँ पर झुग्गी, बस्तियाँ, कैंप बनाए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ वक्त पहले इन इलाकों में आग भी लग गई थी, जिनमें कई झुग्गियाँ जल गई थी और भारी नुकसान भी हुआ था। ऐसे में अब कोई भी रुकने वाला नहीं है। योगी सरकार भी लगातार ऐसी जगहों पर अपनी नजर बनाए हुए है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमें लाइक करना ना भूले। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।